हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लेना है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देना है। जीरे को हल्का सा भून लेना है। अब इसमें दो हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आधा इंच अदरक ऐड कर देनी है कटी हुई। अब एक प्याज ऐड कर देंगे कटा हुआ। इनको हल्का सा भून लेना है। आधा चम्मच धनिया ऐड कर देना है। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च ऐड कर देंगे। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेना है। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब 3 से 4 उबले आलू ऐड कर देने हैं। इनको मैंने मैश कर लिया है, आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देना है। अब हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें थोड़े से काजू और किशमिश ऐड कर देंगे और आधा कप पनीर ऐड कर देंगे, छोटा छोटा क्यूब्स में कटा हुआ। अब इन सभी को एक बार और मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब 2 कप मैदा ले लेना है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको दबा कर देख लेंगे कि लड्डू जैसा बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा और ऑयल ऐड करके उसको मिक्स कर लेना है इसी तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा सख्त आटा लगा लेंगे। कुछ बूंदे ऑयल की लेंगे और उसको ग्रीस कर देंगे और ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक बार और थोड़ा सा गूंद लेंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब एक छोटी सी लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे इस तरह से। अब जो फिलिंग तैयार की थी उसको इसमें ऐड करेंगे और चारों तरफ इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और चारों तरफ से अच्छे से चिपका लेंगे। अब एक फोक लेंगे और उससे इसमें इस तरह से दबा देंगे जिससे कि ये ना खुले और एक अच्छा सा डिज़ाइन भी निकल आए। अब उसी फोक के पीछे के हिस्से से इस तरह से इसको दबा लेंगे, ये एक प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी तरह से हमें सभी स्नैक्स बना लेने हैं। तो चलिए अब इनको तलने के लिए चलते हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो हम स्टार्टिंग में इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे ही तलेंगे जिससे कि क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इनको तलेंगे। तो ये हमारे स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। तो मैंने सभी को निकाल लिया है। अब आप इनको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास हरी चटनी हो तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।